दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने WhatsApp का बैकअप अपनी Gmail ID में ले सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा WhatsApp डिलीट हो जाता है या हम अपना फ़ोन चेंज करते हैं, तो ऐसे में हम अपने WhatsApp का बैकअप अपनी Gmail ID में ले सकते हैं। उसके बाद जब कभी भी हम दोबारा से WhatsApp बनाएंगे या फिर किसी दूसरे फ़ोन में WhatsApp बनाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास बैकअप का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम अपने WhatsApp के सभी मैसेज, वीडियो, फ़ोटो उन सभी का बैकअप ले सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। उसके बाद कॉर्नर में आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहे होंगे, आपको इन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चैट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप, ये देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी जीमेल आईडी होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, तो आप उस जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप लेना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बैकअप टू गूगल ड्राइव पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप कैसे बैकअप लेना चाहते हैं, ओनली वैन वन स्टेप बैकअप, यानी कि आप एक बार में अपने व्हाट्सएप का बैकअप ले सकते हैं, या आप डेली चाहते हैं, या फिर आप वीकली में बैकअप लेना चाहते हैं, या फिर मंथली में, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डेली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंक्लूड वीडियोज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो का भी बैकअप हो तो इसको आप ऑन कर दीजिए, अदरवाइज इसे रहने दीजिए क्योंकि वीडियो का साइज कई बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है बैकअप यूजिंग सेलुलर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का इंटरनेट यूज़ हो तो आप इसे ऑन कर दीजिए। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो ये ऑटोमेटिक डेली बैकअप ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बैकअप पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए बैकअप होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बैकअप देखिए कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर लास्ट बैकअप देखिए कब लिया गया है ये भी दिखा रहा है। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि WhatsApp का बैकअप अपनी Gmail ID में कैसे लेते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर आप मेरे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।